हेलो गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिपल कॉइन के बारे जी में। हाँ हाँ दोस्तों, दोस्तों, XRP कॉइन के बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि इसकी प्राइस कब तक पंप होने वाली है और किस लेवल तक इसकी प्राइस जाने वाली है। तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि जैसे ही मेरी नेक्स्ट वीडियो यहाँ पर अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल ये जाएगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है तो इसको जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस कॉइन में एंट्री कब लेनी है और इस कॉइन से एग्जिट कब लेनी है इसकी अपडेट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर कर दूंगा। तो अभी के अभी जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, अगर XRP कॉइन के बारे में बात की जाए तो इसकी करंट वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर 45 रुपये 24 पैसे चल रही है जिस वक्त मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। और इसकी ग्रोथ जो ये वो यहाँ पर हुई है 0.9% की। इसकी मार्केट रैंक की बात की जाए तो वो यहाँ पर नंबर 7 पे ये चल रही है। और मार्केट कैप की बात की जाए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है, 24 घंटे की ट्रेडिंग वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा है। 24 घंटे में लो गया है ये 43 रुपये 77 पैसे और 24 घंटे में ये हाई गया है 46 रुपये 97 पैसे। सर्कुलेटिंग सप्लाई आप यहाँ पर इसकी देख सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। ऑल टाइम हाई की बात की जाए तो ऑल टाइम हाई रिपल गई है 215 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 215 रुपये रिपल की प्राइस ऑल टाइम हाई गई हुई है। और ऑल टाइम लो की बात की जाए तो वो यहाँ पर गई है सिर्फ 15 पैसे। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी प्राइस कब तक पंप होगी और किस लेवल तक ये जाने वाली है। आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि रिपल के साथ यहाँ पर एक केस चल रहा है, जब तक कि वो केस सॉल्व नहीं होता है और इन्हें क्लीन चिट नहीं मिलती है तब तक कि इसकी प्राइस बिल्कुल भी नहीं बढ़ने वाली है। हाँ, इसके ट्रांजेक्शन्स तो वेगस से अभी चल रही हैं, जैसे कि एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, वो लोग इनके मेथड को यूज़ कर तो रहे हैं। इसकी इसकी प्राइस जो है वो यहाँ पर थोड़ी बहुत पंप हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि इसकी प्राइस थोड़ी सी पंप हो और उसके बाद थोड़ी सी डाउन हो जाए, क्योंकि जैसे ही कोई गुड न्यूज़ निकल कर आएगी तो इसकी प्राइस पंप होगी, जैसे ही बैड न्यूज़ आएगी तो इसकी प्राइस डंप होगी, ये तो आप सभी को पता है। लेकिन जैसे ही इन्हें क्लीन चिट मिल जाती है तो इसके बाद इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है जो कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है इस वीडियो में कि इसकी ऑल टाइम हाई प्राइस कितनी गई है 215 रुपये। इस बार इसका जो ऑल टाइम हाई बनेगा वो लगभग लगभग 450 से 500 रुपये के आसपास बनने वाला जी हाँ है। दोस्तों, ये बिल्कुल सही समय है रिपल कॉइन के अंदर एंट्री लेने का, क्योंकि अगर ये वक्त निकल गया और 2-3 महीने यहाँ पर बीत गए और उसके बाद आप यहाँ पर सोचेंगे इस कॉइन में एंट्री लेने का, तो वो बिल्कुल भी सही समय नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त ये अपने ऑल टाइम हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर चुका होगा। सो गाइज, अगर इसके बाद भी आपको कोई कंफ्यूजन रह जाती है कि इसमें एंट्री लें या नहीं, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहां पर आपको अपडेट कर दूंगा कि एंट्री लेनी है या नहीं, और लेनी है तो आपको किस लेवल पर एंट्री लेनी है और किस लेवल पर एग्जिट लेनी क्योंकि है। हमें यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट बनाना है अपना, तो हमें इस चीज़ से मतलब नहीं होना चाहिए कि इसकी प्राइस इस वक्त क्या चल रही है और आगे क्या जाने वाली है, क्योंकि हम यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए खेलने वाले हैं। तो इस वक्त आप यहाँ पर एंट्री ले लीजिए, जैसे ही 4-5 रुपये इसकी प्राइस में बढ़ते हैं तो फिर आप यहाँ पर एग्जिट ले लीजिए। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के यहाँ पर कुछ क्वेश्चन के आंसर भी करने वाला हूँ। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो वही यहाँ पर कि सबसे अच्छा एक्सचेंज कौन सा है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अभी वजीर एक्स के साथ प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें ट्रेड नहीं हो पा रहा है। कॉइन स्विच यहाँ पर हमें पता है कि वो बहुत ज़्यादा कमीशन खाता है, तो यहाँ पर सबसे अच्छा एक्सचेंज कौन सा रहेगा इंडिया में ट्रेड करने के जी हाँ लिए। दोस्तों, अगर वैसे इंटरनेशनल एक्सचेंज की बात की जाए तो वो बाइनेंस है, सबसे अच्छा वही है, आप उसी पर ट्रेड कीजिए, पर उसको यूज़ करना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसी एप्लीकेशन जिसको आप बहुत ही ज़्यादा आसानी से यूज़ कर सके तो वो है कॉइन DCX। जी हाँ दोस्तों, कॉइन DCX एप्लीकेशन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ये इंडिया में बेस्ट एक्सचेंज है। जी हाँ दोस्तों, मैं इसको यहाँ पर खुद यूज़ करता हूँ ट्रेड करने के लिए, मैं अपनी पर्सनल ट्रेड जो है इसी में करता हूँ, सबसे ज़्यादा ट्रेड में इसी एप्लीकेशन के थ्रू करता हूँ। मैं यहाँ पर इस एप्लीकेशन का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं आपको बता रहा हूँ ये बेस्ट है, सिंपल है, सेफ एंड सिक्योर है। और आप लोगों का जो सेकंड क्वेश्चन है जो मुझे कल कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भरी हुई मिली उसी क्वेश्चन से, तो वो ये है कि सर हम आपका टेलीग्राम चैनल सर्च कर रहे हैं पर वो सर्चिंग रिजल्ट में नहीं आ रहा है और लिंक आपकी काम नहीं कर रही है। इस चीज़ को मैंने भी नोटिस किया है कि लिंक अक्सर खराब हो जाती है टेलीग्राम चैनल की, वो काम नहीं करती है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। आप ये स्क्रीनशॉट देख रहे हो जो आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर जो स्पेलिंग दिखाई दे रही है मेरे चैनल की, आप उसको ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, सेम आपको ऐसे ही लिखना है टेलीग्राम पर जाकर, TECH स्पेस SOLUTIONS। इस तरीके से जब आप लिखकर सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर मेरा टेलीग्राम चैनल डेफिनेटली दिखाई देगा। और आप मेरी DP भी देख लेना, जो मेरे यूट्यूब चैनल की DP है वही टेलीग्राम चैनल की भी DP है, तो इसलिए आप इसको जाकर यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइज, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर मिल गए होंगे। और तीसरा क्वेश्चन जो आप लोगों ने यहाँ पर मुझसे सबसे ज़्यादा किया है वो ये कि सर अभी हम यहाँ पर प्रॉफिट में चल रहे हैं तो हम अपने टोकन को, अपने कॉइन को यहाँ पर सेल करें या नहीं, तो उसका आंसर है यस। वो ये कि जैसे ही आप यहाँ पर थोड़े बहुत प्रॉफिट में आते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर 1000 लगाए और आपके 1200 हो गए और आप चाहते हैं इसको सेल कर दें वरना ये डाउन चला जाएगा, तो आप यहाँ पर इसको डेफिनेटली सेल कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये कॉइन डाउन जाने वाला है तो आप उसको वहाँ पर सेल कर दीजिए
और अपना प्रॉफिट निकाल लीजिए। इसी बात से मुझे एक चीज और याद आई, लोग बात कहते हैं कि सर हमें प्रॉफिट बुक करना सिखाइए। बुक करने का मतलब यही है कि अगर आपने 1000 लगाए और आपके 1000 के 1200 हो जाते हैं तो आप उसको सेल कर दीजिए, तो ये आपका सिंपली प्रॉफिट बुक हो गया, जिसमें आपके 200 रुपये प्रॉफिट के बुक हो चुके हैं और आपके 1000 रुपये वो वापस रिटर्न आ गए जिसकी आपने इन्वेस्टमेंट की थी। तो इसी को सिंपल तरीके से अगर मैं कहूं तो इसी को बोलते हैं प्रॉफिट बुक करना। सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपके तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको यहां पर मिल गए होंगे। और रिपल से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं यहां पर सभी कमेंट्स पढ़ता हूं और सभी के रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। और जिन क्वेश्चंस के आंसर मैं नहीं कर पाता है उनको मैं आपको अपनी वीडियो में बता देता हूं इसी तरीके से। सो गाइस, जैसे ही रिपल की तरफ से कोई भी न्यूज मिलने वाली है तो इसकी अपडेट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर कर दूंगा, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी भी मन में कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट कीजिए। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले यहां पर मिलने वाली है। और टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया तो अभी के अभी जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी लेटेस्ट अपडेट आपको वहीं पर मिलने वाली है। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।